हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इन दिस माय ऑनलाइन क्लास। आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर। आज आपका चैप्टर 16 पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है हिंदी में? देखिए, पास्ट परफेक्ट में प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, प्रायः दो कार्य आते हैं और दोनों फास्ट टाइम में बीते हुए समयों में कंप्लीट हो गए होते हैं। अब हमें अंदाज़ा ये लगाना है कि कौन सा कार्य पहले कंप्लीट होता है और कौन सा जस्ट उसके बाद कंप्लीट होता है। जो कार्य पहले समाप्त हो रहा हो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो आइए, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब दूसरे कार्य की तरफ चलते हैं। अगर पहले है तो आप बिफोर का यूज करेंगे और बाद में है तो आप आफ्टर का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर दो कार्य हैं तो प्रायः इस टेंस में सहायक क्रिया हैड का यूज होता है। इसमें नेवर, ईवर, ऑलरेडी, एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस, संजना के खाना खाने से पहले मोहन घर जा चुका था। पहचान इसका, वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, अथवा वाक्य के अंत में या था, ये थे, ई थी, अथवा वाक्य के अंत में या, ये, ई आता है, यही इसकी पहचान है। अब देखिए, यहाँ हमें पता लगाना कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है। संजना के खाना खाने से पहले मोहन घर जा चुका था, यानी मोहन के द्वारा घर जाना यह पहले हो चुका है। संजना के खाना खाने से पहले, पहले मोहन के द्वारा घर जाया गया है, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में बना लेंगे। मोहन हैड गॉन टू हाउस। अब पहले है तो इसकी अंग्रेजी हम बिफोर लगाएंगे। अब इसको बना देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। संजना ईट एट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे संजना के खाना खाने से पहले मोहन घर नहीं जा चुका था, तो करना कुछ नहीं है, आप सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, मोहन हैड नॉट गॉन टू हाउस बिफोर संजना एट फूड। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ और निगेटिव सेंटेंस हुआ। आइए हम इंट्रोगेटिव में चलते हैं।
आप लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव हिंदी के वाक्य में जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पाले आता है, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव होता है कि हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के बीच में कहीं आता है। तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने का नियम क्या है, मान के चलिए कि अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है हिंदी के वाक्यों में, तो उस समय हम क्या करेंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इटीसी और अंत में हम क्या लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे वी क्या वे नदी में कूद चुके थे, क्या वे नदी में कूद चुके थे। देखिए क्या पहले है, तो आप बिना सोचे समझे सहायक क्रिया हैड पहले लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म जंप इन द रिवर इनटू लगा दीजिए इनटू द रिवर। अब ऐसे प्रायः वाक्य आया करते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, कब क्यों कैसे ऐसे भी प्रश्नवाचक शब्द आ सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं आता है तो हम करेंगे क्या, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिख देंगे। जैसे मोहन के घर पहुंचने से पहले राधा गाना क्यों गा चुकी थी। यह आया, देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले देखिए अब हम कार्य को समझेंगे कि दो कार्य है, एक तो मोहन के घर पहुंचना, दूसरा राधा के राधा का गाना गाना। तो पहले राधा गाना क्यों गा चुकी थी, इसका मतलब ये कार्य पहले हो रहा है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो राधा गाना क्यों गा चुकी थी, तो क्यों की अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे वाई हैड राधा वर्ब की स्थल का संग ए सान। ये हो गया राधा गाना क्यों गा चुकी थी, तो वाई हैड राधा संग ए सान। अब पहले है तो उसकी अंग्रेजी हम यहां लिख देंगे बिफोर मोहन घर पहुंचता था, पास्ट इंडेफिनिट होगा मोहन का घर पहुंचना, बिफोर मोहन रीच्ड होम।
तो ये हो गया मोहन के घर पहुंचने से पहले राधा गाना क्यों गा चुकी थी। वाई हैड राधा संग ए सांग बिफोर मोहन रीच्ड होम। अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में। हिंदी के प्रायः ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए और बीच में निगेटिव आए, उसको बनाने का नियम क्या है? अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है और बीच में निगेशन आता है तो हम क्या करेंगे? ऑग्ज़ीलियरी वर्ब पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाकी सारे रूल वैसे ही रहेंगे। क्या मधुमिता वाराणसी से गोरखपुर नहीं पहुंच चुकी थी? देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया और बीच में निगेशन नहीं आया, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया पहले लिख देंगे हैड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ है मधुमिता। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, हैड मधुमिता नॉट रीच्ड गोरखपुर टू गोरखपुर फ्रॉम वाराणसी। तो इस तरह से हिंदी के वाक्यों में अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए और बीच में निगेशन आए तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया हैड लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम निगेशन के लिए नाक लगाएंगे, बाकी सारे रूल वही हैं। तो क्या मधुमिता वाराणसी से गोरखपुर नहीं पहुंच चुकी थी? तो हैड मधुमिता नॉट रीच्ड टू गोरखपुर फ्रॉम वाराणसी। अब अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक, अगर हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आए तो हमें ज्यादा कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले उठाकर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोहन के खाना खाने से पहले मोहन बाजार क्यों नहीं जा चुका था? देखिए जो वाक्य पहले कार्य खत्म कर रहा है आप उसे देखिए। देखिए मोहन के खाना खाने से पहले, यानी पहले ये कार्य हो रहा है, तो मोहन बाजार क्यों नहीं जा चुका था, यह आपका इंट्रोगेशन निगेशन है। बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया और निगेशन भी आया, तो सबसे पहले आप उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखिए वाई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद नहीं के लिए नाट लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना गोवेंट गान। वाई हैड मोहन नाट गान टू द मार्केट। अब उसके बाद पहले की अंग्रेजी बिफोर लगा देंगे, सोहन का खाना खाना, यह पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, बिफोर सोहन एट
तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखे, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट जो आपका चैप्टर 16 था वह ओवर होता हुआ, वह समाप्त होता हुआ। आई होप कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप तो सीखे होंगे। ध्यान से इसे आप समझिएगा और अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई दिक्कत होता है तो निसंदेह आप मुझसे कांटेक्ट करिए, हर संभव कोशिश किया जाएगा आपको समझाने के लिए। धन्यवाद।